So hello guys, welcome to our channel. This is our first science video of class 10th and first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए गाइज, वी रियली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो. एंड इसके अलावा और भी वीडियोज़ हमारी चेकआउट कर लीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए और अपने नियर्स एंड डियर्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए. सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन मीन्स जब दो एलिमेंट्स एक रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और तीसरा नया प्रोडक्ट हमारे पास आता है. जो एलिमेंट्स एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जो हमारे पास रिजल्ट में नया हमारे पास सब्सटेंस आता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. सो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन अ सब्सटेंस changes into some other substance which is called product is known as chemical reaction. So हम start करते हैं example के साथ कि आपके NCERT में भी है. Magnesium ribbon is bonding in oxygen. तो हमारे पास हम इसे chemical equation में convert करने वाले हैं. सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे magnesium plus oxygen is magnesium oxide. Now if you as you can see कि इस equation में magnesium और oxygen ये दो elements participate कर रहे हैं इस chemical reaction में. तो इसे हम क्या बोलेंगे? Reactants. ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स. नाउ एक रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? प्रोडक्ट. तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट. नाउ ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन. लेकिन वर्ड इक्वेशन इतनी हेल्पफुल नहीं है. इससे वर्ड इक्वेशन से हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो हमें इन्हें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने से मिलती है. सो हम इसे इनके सिम्बल्स लिख लेते हैं. मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्सीजन इज O2. नाउ ये क्या फॉर्म करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये हो गया MgO. नाउ काफी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसे हमने MgO2 क्यों नहीं लिखा. तो लेट मी क्लियर दिस. नाइन्थ में आपका एक कंसेप्ट था वैलेंसीज वाला, तो वो ही कंसेप्ट हमने यूज किया है. Mg की होती है 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव. तो इसलिए इनका हम पहले इनके जो साइन है वो हम ड्रॉप कर देंगे और 2-2 इनका सेम है, इसलिए हम इसे MgO लिख देंगे. तो ये कंसेप्ट आपका नाइन्थ में था, वही यूज करके हमने इसे लिख दिया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं है. इसे कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा. और इसे बैलेंस कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं. एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है? तो सबसे पहले हमारा है स्टेप 1, ऑलवेज फर्स्ट बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड एट लास्ट हाइड्रोजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले बैलेंस करो और लास्ट पे ऑक्सीजन और उससे भी लास्ट पे हाइड्रोजन. सो सबसे पहले जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन्हें, फिर ऑक्सीजन और लास्ट पे हम किसे करेंगे? हाइड्रोजन को. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ध्यान में रखना है. सो हमने लास्ट किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इन ऑक्सीजन. तो यहाँ पे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम देखें तो मैग्नीशियम इज 1 एंड रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम इज 1 एंड एट प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम इज अगेन 1. तो इट मीन्स कि मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड. तो इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. आगे हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है. वॉट डज इट मीन कि ये बैलेंस नहीं है. अब हम इसे भी बैलेंस करेंगे. कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2. अब काफी बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे हमने इसे नीचे क्यों नहीं लिखा लाइक दिस. तो दिस इज रॉन्ग. मैंने पीछे बताया कि हम इसे MgO इसीलिए लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला वैलेंसीज वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसे MgO लिखते हैं. तो अगर हम इसे नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब कि हमने केमिकल फॉर्मूला गलत लगाया है, वो गलत हो जाएगा. अगर हम इसे आगे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने खुद लगाया है ताकि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए. तो इससे पता चल जाता है कि ये हमने खुद लगाया है, इसीलिए हम जो बैलेंस करने के लिए जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसे आगे लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते. सो अब हम ऑक्सीजन को तो कर दिया, अभी हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते. हम दोबारा आ जाएंगे, जो हमने एलिमेंट्स पहले बैलेंस कर लिए हैं उन्हें देखेंगे और देखेंगे कि उन पे कोई असर हुआ है या नहीं. तो अब हमने यहाँ पे देखा मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे 2 है. इसका क्या मतलब है कि मैग्नीशियम फिर से अनबैलेंस हो गया. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. रिमेम्बर कि 2 नीचे नहीं लिखना है. एक और बात, ये जो 2 है पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ये नहीं कि सिर्फ मैग्नीशियम के साथ या सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब हम फिर से चेक करते हैं. तो इट इज
टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, वहां पे भी मैग्नीशियम दो है और ऑक्सीजन दो है. तो ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन था, ये केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अब इसके अलावा काफी एनसीईआरटी में भी और काफी ऐसे ही करवाते हैं कि बॉक्सेस बनवा देते हैं एलिमेंट नेम करके, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स करके, और फिर उसे बैलेंस करते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से इसमें वो काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. वो मेथड जो है उसमें काफी टाइम लगता है और इतना टाइम पेपर्स में होता नहीं है हमारे पास कि हम पहले बॉक्सेस बनाए और फिर उसे बैलेंस करें. तो इससे अच्छा है कि आप इसी तरह से ट्राई करो. लेकिन आप अगर आपको बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर दिस वन क्योंकि ये थोड़ा ना जल्दी होने वाला प्रोसेस है. अब ये तो काफी इजी वाला हो गया. अब हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले केमिकल इक्वेशंस देखते हैं और उन्हें कैसे बैलेंस करना है वो भी देखते हैं. तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. तो अब इस हमें केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम वो देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे जिंक यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो जिंक इज बैलेंस्ड. अब हाइड्रोजन, वेट, लेकिन मैंने पीछे ही बोला था, पीछे स्टेप में कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैंने बोला था कि हाइड्रोजन को हमने लास्ट पे करना है और ऑक्सीजन को सेकंड लास्ट पे. तो हम इसे अभी छोड़ देते हैं, हम इसे कुछ नहीं करते. अब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, सल्फर यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है. अब हम जाएंगे ऑक्सीजन के तरफ और फिर लास्ट पे हम जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ. तो ऑक्सीजन यहाँ पे फोर है और यहाँ पे भी फोर एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस हो या ना हो हमें उसे लास्ट पे ही देखना है. हाइड्रोजन टू, इस ये भी यहाँ पे भी टू एटम्स और यहाँ पे भी टू एटम्स. सो हेंस दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. आपको ये चेक करना है, जरूरी नहीं होता है कि जो आपको इक्वेशन दी हो आपको उससे हमेशा बैलेंस करना ही पड़े. ऐसा भी हो सकता है वो पहले से ही बैलेंस्ड हो, जैसे ये बैलेंस्ड है. सो इसलिए हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बैलेंस्ड ही है. तो हम आगे देखते हैं कि जिन्हें हमें खुद बैलेंस करना पड़े वो इक्वेशन हम आगे देखते हैं. तो अब हम देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, आयरन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी वाटर. तो अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं. मैंने इसे रफ में नीचे लिख दिया है, अच्छे से बैलेंस करने के बाद मैं इसे ऊपर लिख दूंगी. तो सबसे पहले हम देखें आयरन, आयरन दैट इज Fe, ये यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 3 है. तो ये आयरन मतलब Fe हमारा बैलेंस नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 3. तो ये भी बैलेंस्ड और ये भी बैलेंस्ड. अब हाइड्रोजन को छोड़ देना है, इसे लास्ट पे करना है और हमें लास्ट सेकंड पे करना है ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 to the 8 है हाइड्रोजन के. रिमेंबर ये जो नीचे वाला है ना, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई. सो 4 to the 8 दैट इज हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 8 और वहां पे कितने हो गए 2. अभी 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, 4 के साथ. तो हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, 4H2. सो अब हम दोबारा से इसे चेक करते हैं ये बैलेंस है या नहीं. मैं ये इसे रब कर देती हूँ. अब देखते हैं आयरन दैट इज Fe, यहाँ पे 3 एटम्स है, यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं. नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं और यहाँ पर भी 4 एटम्स हैं. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 2, इसका 2, 4 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 8 और यहाँ पर भी 8 हैं. सो दैट इज हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है. तो इसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 3, 4 और 4. तो इस तरह या हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है. अगर आपको बॉक्सेस बना के करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इजी है. इसे हम अच्छे से ऑरली हम जल्दी जल्दी से हम इसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. तो हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है. तो अब हमारे पास है कि इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है. तो सबसे पहले है, इट टेल्स अबाउट सब्सटेंसेस पार्टिसिपेटिंग. कौन कौन से सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके बारे में पता चलता है. अगर मैं लिख रही हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पता चल रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड पार्टिसिपेट कर रहा है. नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्स अबाउट सिंबल्स एंड फॉर्मूले. तो अगर मैं लिख रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl. नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स या और प्रोडक्ट साइड पे.
तो लाइक मैं लिख रही हूँ ओ टू, तो मतलब इसके कितने हैं, दो एटम्स. तो हमें ये भी पता चलता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. नेक्स्ट है वेट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड प्रोडक्ट फॉर्मड इन रिएक्शन. हमारी जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट निकला है हमारे पास रिजल्ट, उसके बारे में भी पता चलता है, और रिएक्टेंट्स का कितना वेट जो है कंज्यूम हुआ है वो भी हमें पता चलता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में. नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस. अगर मैं लिख रही हूँ ओ और साइड में लिख रही हूँ जी, तो इसका मतलब है कि वो किस फॉर्म में निकला है हमारे पास, गैस की फॉर्म में. तो हमें साइड में, जैसे अगर मैं लिख देती हूँ H2O, साइड पे लिखती हूँ L, तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में. तो सॉलिड लिक्विड गैस वो किस स्टेट में है वो भी हमें पता चलता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. आगे है इन्फॉर्मेशन नॉट कन्वेयर बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले डू नॉट टेल अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता चलता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ क्यूपरस सल्फेट प्लस सिल्वर, तो वो होगा या नहीं ये हमें नहीं पता है, ये रिएक्शन नहीं होगा. तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में है रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन ये होगा या नहीं ये हमें नहीं पता चलता है, ये हमें खुद को रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना होगा. तो ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं कन्वेड होता है. सेकेंड है डू नॉट टेल अबाउट स्पीड. स्पीड के बारे में नहीं पता चलता है वो कितनी जल्दी हुआ रिएक्शन, कितनी स्लोली हुआ रिएक्शन, तो वो स्पीड के बारे में भी हमें पता नहीं चलता है. तो हमारे पास नेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. हमने ये तो कर लिया कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये यहाँ भी हमारे पास इसका आंसर है, और इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और अजर्शन एंड रीजनिंग में भी इसके काफी आ जाते हैं, तो इसे ध्यान से करना. तो क्या है इसका रीजन, टू फॉलो और अबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसमें एक स्टेटमेंट है कि मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ कोई भी केमिकल इक्वेशन और उसमें इस साइड में कम है और इस साइड में ज्यादा है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन के बाद जो है उसका मास क्रिएट हुआ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऐसा हो ही नहीं सकता, मास को हम क्रिएट कर ही नहीं सकते. और अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा लिख दूं, प्रोडक्ट साइड पे कम लिख दूं, मतलब जो मास है वो कम हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता. तो इसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन के पहले और बाद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम रहने चाहिए, मास सेम रहना चाहिए, तो उसे बैलेंस करना जरूरी है इस लॉ को सही प्रूफ करने के लिए, और ये लॉ एकदम सही है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली इसका इसको फॉलो करने के लिए हमें एक इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. तो इसे अच्छे से आप समझ के रख लो और इसे अपने माइंड में कंसेप्ट ये क्लियर कर लो कि ये हमें करना ही है. क्यों करना है ये इसे याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, इसमें दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन गैस है, तो ये इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो गए टू फॉर्म HCl. और ये जो रिएक्शन होते हैं ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं. एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शन होते हैं, जो हीट रिलीज करते हैं, दे रिलीज हीट. तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में. और ये क्या होते हैं, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब ये हीट कंज्यूम करते हैं, कॉम्बिनेशन वाले छोड़ते हैं और ये कंज्यूम करते हैं हीट को. नाउ सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंगल सब्सटेंसेस. एग्जांपल है हमारे पास फेरस सल्फाइड, और इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. अभी इसका क्वेश्चन आता है कि एक रिएक्शन दो जिसमें सफोकेटिंग स्मेल निकलती है, तो याद रखना कि सफोकेटिंग स्मेल इनकी वजह से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड. इसके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और लास्ट टाइम सैम्पल पेपर्स में भी थे इसका रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा भी काफी रिएक्शन आपकी NCERT में दिए हुए हैं, उन्हें अच्छे से रट लेना, लर्न कर लेना, ठीक है. एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन उसका याद रख लेना कि कौन सा कलर बदल लेता है, किस कलर में निकल जाता है, तो वो अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट है इसके टाइप्स. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे तीन टाइप्स हैं. पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जब वो डीकम्पोजिशन हीट के साथ होती है, इसका एग्जांपल है ये वाला, हीट के साथ जब हम किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
नाउ इसका एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, वो भी देख लेना। आगे है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करना, सनलाइट की हेल्प से। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ये आपके एनसीईआरटी में है तो उसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन करना। जैसे वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो डिकम्पोजिशन वाटर का इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। आता वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी है, लेकिन उसके आगे टाइप्स हैं, ये तीनों उसके आगे टाइप्स हैं, तो ये तीनों टाइप्स भी आपको याद करनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया और जिंक ने बना लिया जिंक सल्फेट। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टिव कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, तो ग्रीन बॉक्स में सबसे नीचे है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेना। तो वहां पे आप देखोगे कि जिंक जो है कॉपर से ऊपर आता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो जो है, दो अपनी जो प्लेस है वो चेंज करते हैं दो एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ बना लेगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ बना लेगा। तो इसने बना लिया बेरियम सल्फेट और एनए ने बना लिया सीएल के साथ, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो इसे मैंने बैलेंस करके यहाँ पे 2 लगा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं दे आर आयोनिक इन नेचर। वाई दे आर आयोनिक? आयोनिक बिकॉज दे एक्सचेंज देयर आयंस। यहाँ पे इन्होंने अपने कैटायंस चेंज किए, तो दे एक्सचेंज देयर आयंस, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज आयोनिक रिएक्शन इन नेचर। अभी इनकी एक और पहचान है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल, मतलब आप जब ये रिएक्शन करोगे ना तो टेस्ट ट्यूब के नीचे एक पाउडर टाइप वो जो है जमा हो जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, आप इस जितनी भी कोशिश कर लो। तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास कौन सा प्रेसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ऐसे ही हमारे पास और भी अलग अलग प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो वो आपको वो भी लर्न करने हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझ लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ सबसे पहले इसमें हमारे पास 5 टर्म्स आती हैं, इन 5 टर्म्स को अच्छे से याद रख लेना और इनका डिफरेंस भी। तो सबसे पहले आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इससे एकदम उल्टा क्या है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसे बोलते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, मतलब या तो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे या तो उससे हाइड्रोजन ले, तो मतलब उसे क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, मतलब दूसरे को अपनी हाइड्रोजन दे, मतलब रिड्यूस कर रहा है मतलब उसे हाइड्रोजन दे रहा है और उसे ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन उससे ले रहा है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अक्कर होती हैं सिमल्टेनियसली, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, उसे बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझ लेना इस रिएक्शन को। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज कॉपर प्लस वॉटर दैट इज H2O। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, किसके साथ ऐड हुआ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ, यहां पर नहीं, यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि दिस हाइड्रोजन जो है हमारा ये हुआ है ऑक्सीडाइज। हमने रिजल्ट यहां से देखना है, हाइड्रोजन हुआ यहां पे ऑक्सीडाइज। नाउ हम देखते हैं कि रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो कॉपर के साथ जो था ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे जाके रिमूव हो गया,
यहाँ पे जाके ये रिमूव हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है ये हो गया रिड्यूस। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब दूसरे को या तो ऑक्सीजन दे रहा है और या तो उसे हाइड्रोजन ले रहा है। तो यहां पर हम देखें जो कॉपर है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये खुद को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है मतलब अपनी ऑक्सीजन उतार रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे मतलब या तो उसे हाइड्रोजन दे और या तो उससे ऑक्सीजन ले। तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर हाइड्रोजन जो है इस कॉपर ऑक्साइड में से जो कॉपर है वो रिमूव सॉरी ऑक्सीजन है वो रिमूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा हाइड्रोजन। यहां पर हमने एलिमेंट देखना है और उसका रिजल्ट यहां पर देखना है कि कौन सा किसके साथ ऑक्सीजन लग रहा है किसके साथ रिमूव हो रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन किसके साथ लग रहा है और रिमूव हो रहा है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे या और हमने नाम यहाँ पे देना है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। तो हमने यहां से इनको नेम देने हैं यहाँ का रिजल्ट ध्यान में रख के। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिलिटी। कोरोजन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल सर्फेस ड्यू टू अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज ऑन सर्फेस ऑफ मेटल। इसका क्या मतलब है कि जो मेटल की सर्फेस है उसका स्लोली स्लोली खत्म होना एटमोस्फेरिक गैसेस की वजह से। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। जो वर्ड रस्ट है वो सिर्फ आयरन के लिए ही है। तो जैसे आयरन को जंगाल लग जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं कोरोजन। इसके अलावा कॉपर को भी कॉपर जब कार्बोनेट की लेयर बन जाती है तो वो भी कोरोड हो जाता है। उसके अलावा जो हमारा सिल्वर है जब वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है तो वो भी कोरोड होना शुरू हो जाता है। और ये काफी हार्मफुल है क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो व्हीकल्स हैं जो हमारी जो स्टैचूज है कैल्शियम कार्बोनेट से बने जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ताजमहल वो भी कोरोड होनी शुरू हो गई है। तो ये काफी हार्मफुल प्रोसेस है और मेटल्स जो मेटल को डिटोरिएट कर रहा है। नेक्स्ट है रेंसिलिटी। रेंसिलिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड पार्टिकल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिलिटी। जब उनमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है तो जो हमारे फूड है वो खराब हो जाते हैं। उनमें जो ऑयल्स एंड फैट्स है ना जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है दैट इज ऑक्सीडेशन तो जो हमारा खाना है वो खराब हो जाता है। तो ये इससे हमारा जो खाना है इसे रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमारे पास ये जो तीन प्रोसीजर्स हैं। पहला नाइट्रोजन गैस। आप चिप्स देखते हो कुरकुरे देखते हो ये जो जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें वो काफी ज्यादा गैस भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस फ्लश की हुई होती है उनमें ताकि वो जो बीच में चिप्स वगैरह है वो खराब ना हो जाए। तो आप एक बार वो गैस निकाल के देखना और देखना कि वो जो चिप्स है ना वो काफी टाइम बाद सिली से हो जाएंगे खराब से हो जाएंगे। तो वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है हमारी नाइट्रोजन गैस। दूसरा है रेफ्रिजरेशन। जो सब्जी होती है हम उसे फ्रिज में क्यों रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। रेफ्रिजरेशन में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना लो टेम्परेचर में फूड के एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते तो इसलिए रेफ्रिजरेशन। थर्ड है टू कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना ताकि जो वो बाहर वाली एटमोसफेयर की गैसेस उसमें एक्ट कर ही ना पाए वो ऑक्सीडाइज हो ही ना पाए। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको किसी भी चैप्टर में या कोई भी कंफ्यूजन था इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आर वीडियो। वी रियली नीड योर सपोर्ट गाइज सो थैंक यू वेरी मच।